माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरे दक्षिणेश्वर जाने की ब्लॉग। कुछ दिनों पहले मैं मेरी हस्बैंड के साथ दक्षिणेश्वर गई थी और वहाँ का एक छोटा सा ब्लॉग मैं आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम लोग गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस काली मंदिर है और दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थापित है हुगली नदी की तट पे। ये नॉर्थ 24 परगना जिला के अंदर पड़ता है। 1855 साल में प्रसिद्ध जमींदार रानी रसमणी जी ने यह मंदिर प्रतिष्ठा की थी। इस मंदिर में माँ काली को भवतारिणी रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस देव माँ काली की साधना करते थे, जिनका शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण जी की तस्वीर है। और यहाँ पे कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की बहुत ही सुव्यवस्था है। ये देखिए पास में ही यहाँ पे अच्छे से इन लोगों ने कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। ये बाहर से मैं आप लोगों को मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ। कारण है मैं अंदर मेरा कैमरा नहीं ले जा पाई थी। यहाँ कैमरा बैग वही सब बाहर में रख कर ही एक काउंटर पे अंदर जाना पड़ता है और बाहर ही पूजा की सामग्री की दुकान है। बाहर से पूजा की सामग्री आप खरीद सकते हैं, खरीद के अंदर ले जा सकते हैं। ये काली मंदिर की बहुत अच्छी व्यू आ रही है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर किया हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से प्रवेश करना पड़ता है। ये है दक्षिणेश्वर की रानी रासमुनी स्काईवॉक। ये स्काईवॉक हमारे राज्य की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने 5 नवंबर 2018 में इनॉग्रेट किए थे। ये स्काईवॉक 350 मीटर लंबा है और 10.5 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर 200 दुकान है। ये स्काईवॉक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के दक्षिणेश्वर बस स्टैंड और दक्षिणेश्वर रेलवे के साथ जोड़ता है। साल में 1,30,00,000 श्रद्धालु भक्त इस स्काईवॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये साइड में बहुत सारी दुकानें लगा हुआ है। इस दुकान के अंदर खिलौना का दुकान है, पानी का और बहुत सारी ज़रूरत का सामान मिल जाता है और पूजा की सामग्री का, शाखा पौला पूजा सामग्री का बहुत सारी दुकानें आप लोगों को मिल सकता है और बहुत सारी तस्वीर, भगवान की तस्वीर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारी ज़रूरत की सामान आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। इस स्काईवॉक में 12 एक्सेलेटर, 4 एलिवेटर और 8 सीढ़ियाँ है। इस स्काईवॉक को बनाने के लिए 63 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। देखिए बहुत सारी दुकानें पास में बना हुआ है।
कितनी सुंदर सुंदर दुकान। आप पूजा की सामग्री भी यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। अगर स्काई वॉक की इस तरफ से आप सीधे जाएंगे तो आप बाएं पे आधा पीठ सीधे जाएंगे तो रेल स्टेशन और दाएं पे बस स्टैंड को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत सुंदर पास में ही बहुत सुंदर व्यू आपको मिलेगी देखने के लिए, बहुत ही सुंदर है। और ये है एक्सेलेटर, यहाँ से आप मंदिर के गेट में प्रवेश कर सकते हैं। सी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ है यहाँ पे। और ये एक मार्केट है दक्षिणेश्वर मंदिर के पास में ही। ये मार्केट बहुत पुराना है, यहाँ पे भगवान की तस्वीर, पूजा की सामान और बहुत सारी खाने की चीज़ भी मिल जाता है। देखिए कितना सुंदर मार्केट है, छोटा सा मेला यहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।